वेलकम टू सारिम्स बर्डजॉटिक। मेरा नाम है मोहम्मद अवेस। जिस तरीके से आपने देख लिया होगा, टॉपिक है आज का रेनबो लॉरीकेट्स, रेनबो लॉरी एज अ पेट्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन रेनबो लॉरी के बारे में। तो आज का वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखिए। जिसके पास लॉरीज है, लॉरीकेट है, रेनबो लॉरीकेट्स है, डेफिनेटली आपको उससे थोड़ा एडवांटेज होगा ये वीडियो से। या फिर आप सोच रहे हैं रेनबो लॉरीकेट खरीदने का, तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली एडवांटेज होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं हम रेनबो लॉरीकेट के ओरिजिन के बारे में, उनका जो जहाँ से रेनबो लॉरीकेट का ओरिजिन हुआ है, जहाँ पे ये मेनली पाई जाती है। इट इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में रेनबो लॉरीकेट्स पाई जाती हैं। देखिए इनका जो लाइफ स्पेन होता है, ऑन एन एवरेज 30 to 35 ईयर्स का एवरेज लाइफ स्पेन होता है। ये लोकल ब्रीड है, इंडिया में ब्रीड कराया गया है। क्लोज रिंग बर्ड है, आप देख सकते हो उसके पैर में रिंग है। और इसका जो साइज़ होता है, फ्रॉम बीक टू टेल, ऑन एन एवरेज 15 to 18 इंचेस होता है। रेनबो लॉरीकेट का जो साइज़ होता है 15 to 18 इंचेस के बारे में, 18 इंच होता है। आप देख सकते हो कितना ये लवेबल बर्ड है। इसको हेड स्क्रैच डिमांड कर रही है मेरे से। इसको सिर्फ पूरा दिन खेलने के लिए चाहिए होता है। मेरा 7 साल का बेटा है, उसके साथ में पूरा दिन बस दे जस्ट वॉन्ट टू प्ले। दे आर वेरी कॉमिकल, वेरी लवेबल, वेरी अफेक्शनेट बर्ड, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बॉन्डिंग होते हैं, ह्यूमन बॉन्डेड बहुत ईजीली हो जाते हैं। इसका करंट एज अराउंड 8 मंथ्स है, 8 मंथ के आसपास बर्ड है। और इसका DNA है मेरे पास में, इट इज़ अ फीमेल, ये फीमेल है, ये 8 महीने की फीमेल है। लॉरीकेट्स जो होते हैं, विजुअली यू कैन नॉट रिकग्नाइज के ये मेल है या फीमेल है। आप मतलब देख के बता नहीं सकते हो कि मेल है या फीमेल है, जेंडर आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते हो इनका। इसके लिए आपको DNA टेस्ट कराना पड़ता है। DNA टेस्ट इधर फेदर से होता है या ब्लड टेस्ट से होता है। तो ये DNA टेस्ट कराया हूँ मैंने, तो उससे मुझे पता चला है इट्स अ फीमेल। ठीक है, मैंने रिसेंटली DNA टेस्ट कराया है, आज ही रिजल्ट आया है इनफैक्ट इसका कि ये फीमेल है। और अब इनकी डाइट के बारे में मैं आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। इनका जो डाइट होता है, इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल पैरेट, और जो दूसरा पैरेट होता है उसके जैसा डाइट नहीं होता है इनका। क्या होता है, लॉरीकेट्स प्रेफरेबल लिक्विड फूड, नेक्टर, फ्लावर्स, ये सब खाना पसंद करती है। डाइट में हम मैं मेरे घर में अभी इसको खाने के लिए देता हूँ, मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, मैंगोज़ हो गए, और ग्रेप्स हो गया, जितना भी लिक्विडी टाइप का जो फूड होता है वो देता हूँ। और प्लस मार्केट में इसका स्पेशल डाइट अवेलेबल है, और लॉक्स लॉरी फूड का आता है, तो वसा लगा का भी आई बिलीव आता है लॉरी फूड, तो वो देते हैं हम लोग इसे खाने के लिए। ये सीड्स वगैरह हार्डली 5% डाइट आता है, हार्डली 5% खाती होगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसको हम देते हैं लिक्विड फूड, जैसे मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स हो गया, मैंगो हो गया, और उसके बाद में कभी कभी हम इसको थोड़ा बॉईल करके कॉर्न भी खाने के लिए देते हैं, और वेजिटेबल्स भी जो होते हैं ना, तो वो भी हम इनको बॉईल करके देते हैं, तो कैसा सॉफ्ट होते हैं और इजीली खा सकते हैं वो। रेनबो लॉरीकेट का मेनली जो नाम इसके कलर की वजह से हुआ है, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है और कितने सारे कलर है इसके अंदर। देखिए पर्पल है, ग्रीन है, येल्लो है, ऑरेंज है, रेड है, डार्क ग्रीन है, पीछे विंग्स पे इसके यहाँ पे भी येल्लो है, और नीचे टेल के पास भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी ग्रीनिश और येल्लो कलर है। अब रेनबो लॉरी के अंदर और भी दूसरी स्पीशीज सब स्पीशीज हैं। रेनबो लॉरी के अंदर स्वेंसन लॉरी आता है, ग्रीन नेप लॉरी आता है, रेड कॉलर लॉरी आता है, येल्लो कॉलर लॉरी आता है। दिस वन इज़ अ ग्रीन नेप लॉरी। स्पेसिफिक सब स्पीशीज के अंदर ये आप बोल सकते हो, रेनबो लॉरीकेट के अंदर दिस इज़ अ ग्रीन नेप लॉरी। हर एक लॉरीकेट के अंदर जो कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अगर मेरे पास दूसरी लॉरीज होती तो आप लोग डेफिनेटली मैं बताता क्या डिफरेंस होता है। हर एक का अलग अलग डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल रेड कॉलर लॉरी का जो यहाँ पे होगा, इट विल बी अ रेड कॉलर, जो होगा पूरा रेड कलर का होगा, यहाँ पे वॉलेट कलर होगा। अलग अलग बर्ड में अलग 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 लॉरीकेट के अंदर जो सब स्पीशीज है, कलर का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। आप देख सकते हो ये फुल टेम्ड बर्ड है, इजी टू हैंडल है। कम ऑन, स्टेप अप, स्टेप अप,
फुल टेम बर्ड है ये, ईजीली टेम्ड हो जाती है. लॉरीकेट्स आर वेरी 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 ईजी टू टेम एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज, क्योंकि ये हाँ स्पेश आप बोलोगे मैं जंगल मतलब वाइल्ड को टेम करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर बर्ड को स्टार्टिंग से ह्यूमन इंट्रैक्शन की आदत होगी तो वो ईजिली टेम हो जाएगी, आपकी फैमिली के साथ में ईजिली घुल मिल जाएगी, बॉन्ड हो जाएगी, अगर बच्चे हैं घर पे तो बच्चों के साथ एकदम ईजिली घुल मिल जाती है. इसका लाइफ स्पेन जो होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, फूड के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैंने. अब इनका जो आता है प्ले टाइम, लॉरीकेट्स नीड लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उनको बहुत सारी एक्सरसाइज की ज़रूरत है क्योंकि प्लेफुल बर्ड है. एटलीस्ट दिन में 3 से 4 घंटा आप उसको केज के बाहर रखिए, ये मेरी एडवाइस है. जितना हो सके टेम बर्ड्स को तो आप पूरा दिन भी बाहर रख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट 4 आवर्स इज एडवाइजेबल. और केज साइज शुड बी एटलीस्ट 3.5 feet बाय इंटू 3 इंटू 3, कम से कम इतना केज साइज का होना चाहिए. 24/7 फ्रेश वाटर होना चाहिए केज के अंदर एक्सेसिबल. दिन में एटलीस्ट 2 बार चेंज करना चाहिए पानी. लॉरीकेट लव्स टू टेक अ बेथ, पानी में नहाना उनको बहुत पसंद है. तो एटलीस्ट इतने साइज एटलीस्ट एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जहाँ पे लॉरी इजीली बेथ कर सके, उतना साइज का पानी में बॉल पानी का बाउल आपको केज में रखना चाहिए. अब मेरे पास जो ये लॉरी है इट टेक्स बेथ एवरी डे, रोज़ नहाती है ये एटलीस्ट वंस इन अ डे ये नहाती है, कभी इवनिंग में कभी मॉर्निंग एज पर द मूड. तो मैं पानी हमेशा केज में रखता हूँ, तो वेन एवर शी फील्स कम्फर्टेबल शी विल टेक अ बाथ. ठीक है, और सॉरी मेरे लैंग्वेज के लिए थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ वीडियो बनाते टाइम पे, नया चैनल है, जितना हो सके ट्राई करता हूँ क्लियर बोलूँ, बट हो जाता है इंसान हूँ गलती हो जाती है मुझसे भी. फिर उसके बाद में केज साइज हो गया, टॉयज़ देना चाहिए ऑफ कोर्स, जिसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है, टॉयज़ देना चाहिए बर्ड्स को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने बर्ड्स को टॉयज़ दीजिए खेलने के लिए, ऑल द बेनिफिट्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन दैट वीडियो. अगर आप वो देखेंगे वीडियो प्लीज़ वो भी वीडियो देखिए, अगर आपने मिस कर दिया है तो वीडियो देखिए, बहुत बेनिफिट होगा, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा वो वीडियो से. अगर देखिए अभी प्राइस के बारे में जो मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए मैंने बहुत बार ये बात बोली भी है मेरे वीडियो में, बर्ड्स पे कोई MRP नहीं होती है, बर्ड की क्वालिटी कैसी है, बर्ड कितना टेम है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ऑन एन एवरेज रेनबो लॉरीकेट कॉस्ट अराउंड 25,000 to 30,000, 25 से 28 से 30,000 के बीच में ऑन एन एवरेज आती है, डिपेंड ऑन एज साइज कितना टेमनेस है, उसमें सब स्पीशीज कौन सा है, इसमें भी अलग अलग सब स्पीशीज होती है, तो उस तरीके से प्राइस होती है. बट बेयर मिनिमम अगर आपको अच्छा बर्ड चाहिए तो एटलीस्ट 25,000 एक्सपेक्टेड प्राइस है. अगर आपको अच्छा क्वालिटी का बर्ड चाहिए जो टेम हो, एटलीस्ट 25,000 का कॉस्ट होता है. दिस इज और उसके बाद में अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो जो आपके साथ में मैंने शेयर नहीं किया हूँ, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा. जो भी मैं आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ इट इज़ विथ माय पर्सनल नॉलेज. हो सकता है कुछ लोग डिफर करें इन्फॉर्मेशन के बारे में, सबका इन्फॉर्मेशन अलग होगा, होगा भी, बट दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जो दूसरा कोई बोल रहा है मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो गलत बोल रहा है या मैं गलत बोल रहा हूँ, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस. पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट सबका सेम होगा, जिस तरीके से मैंने एज बताया है, साइज़ बताया है, डाइट के बारे में बताया है, टेमनेस के बारे में बताया है, ये ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही होता है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो मुझे, और आप ये भी कमेंट में बताइए कि और कौन से बर्ड के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाने बोलोगे तो मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ का बनाऊंगा. डिपेंड करता है आपको मेरे व्यूवर्स को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.